इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप अपने कॉन्टेक्ट की होम स्क्रीन पर अपना फोटो लगाना चाहते हो तो कैसे लगा सकते हो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मेरे कॉन्टेक्ट की स्क्रीन पर एक फोटो लगा हुआ है। अगर इस तरह से आप भी लगाना चाहते हो तो नॉर्मली आप लगा सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो को फुली वॉच करना होगा, आपको वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस चलते हैं वीडियो करते स्टार्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कॉन्टेक्ट की होम स्क्रीन पर अपना फोटो कैसे लगा सकते हो। तो इसके लिए अब आपको अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करना। जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना। सर्च बार में सर्च करना होगा माई फोटो एंड फोन डायलर। यहाँ पर आपको सर्च करना माई फोटो फोन डायलर। जैसे आप ये सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको ये ऐप देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस ऐप की सेटिंग को देख लेना होगा, तभी आप इस ऐप को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ से अब आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो देन मैं आपको आगे का प्रोसेस कंटिन्यू बताने वाला हूँ। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पर इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको भी इस ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो देन यहाँ पर अब आपको ओपन पर क्लिक करना। जैसे आप ओपन पर क्लिक करते हो देन यहाँ पर अब आपका ये ऐप ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर लाइक कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ऊपर देखने को मिलेगा रीड एंड एक्सेप्टेड, देन इस पर आपको क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर अब आपको फिर से इस पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चेंज डिफॉल्ट ऐप, देन इस पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो अब यहाँ से आपको नीचे वाले ऐप को सिलेक्ट कर लेना होगा। देन यहाँ पर आपको सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करना होगा, यानी कि अब आपको अपने फोन डायलर को चेंज कर देना होगा। देन यहाँ पर अब आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो देन यहाँ पर आपका ये ऐप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऐड देखने को मिलेगा, इस ऐड को यहाँ से आपको स्किप कर देना। जैसे आप स्किप कर देते हो देन यहाँ पर लाइक कुछ इस तरह से विंडो ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको डायलर कॉल पोस्टर इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको डायलर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप डायलर पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा बैकग्राउंड का, सेकंड ऑप्शन होगा थीम का। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना। जैसे आप बैकग्राउंड पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर लाइक कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इमेज देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर नीचे शो होगा गैलरी का एक ऑप्शन, देन इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको इस परमिशन को अलाउ करना। जैसे आप परमिशन को अलाउ करते हो देन यहाँ पर अब आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अब यहाँ से आप जिस भी फोटो को अप्लाई करना चाहते हो उस फोटो को यहाँ से आपको अप्लाई कर लेना होगा। जैसे मैं यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ देन मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपको इस एरो पर क्लिक करना और यहाँ से आप इस फोटो को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस तरह से आप भी एडजस्ट कर सकते हो। देन नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रॉप एंड अप्लाई का, देन इस पर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो देन आपके बैकग्राउंड पर ये फोटो अप्लाई हो जाएगी, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब मैं यहाँ से इसे बैक करता हूँ। जैसे मैं बैक करता हूँ अब आपको फिर से एक ऐड देखने को मिलेगा। यहाँ से अब आपको इस ऐड को स्किप कर देना होगा, यानी कि कट कर देना होगा। जैसे आप कट कर देते हो यहाँ से आप इस ऐप को ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको व्यू डायलर नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू डायलर पर क्लिक करते हो देन आपके कॉन्टेक्ट की होम स्क्रीन पर आपका फोटो देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इस तरह से आप अपने कॉन्टेक्ट की होम स्क्रीन पर फोटो अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ बता दिया हूँ। अब आपको वीडियो को लाइक